कोरोना संक्रमण के चलते देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर पड़ा है। महामारी के कारण एम्स में ओपीडी और सर्जरी एक तिहाई हुई, जबकि मरीजों की मौत डेढ़ गुना तक बढ़ गई। तो क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बुधवार को जारी एम्स की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार एक साल में अस्पताल में संक्रमण भी बढ़ा है, भर्ती मरीजों के अस्पताल में रुकने की अवधि में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा पूरे साल एम्स में 56% बिस्तरों पर ही मरीजों को भर्ती किया जा सका। साल 2020-21 के दौरान ओपीडी में 15,42,000 रोगी पहुंचे, इस दौरान 3194 बिस्तरों पर 1,40,000 मरीजों को भर्ती किया गया। इनमें से 72,737 मरीजों के ऑपरेशन किए गए। इसी साल में 6 माह के लिए देश में लॉकडाउन भी लगाया गया था। आपको बता दें कि साल 2019-20 और 2020-21 के बीच भर्ती मरीजों की मृत्यु दर 1.7 से बढ़कर 3% तक पहुंच गई है। एम्स के कार्डियो और न्यूरो सेंटर में यह मृत्यु दर 2.6 से 6.9% यानी करीब 3 गुना बढ़ी है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में 9% मरीजों की मौत हुई है। इसी ट्रॉमा सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों का भी उपचार चल रहा था। अस्पताल में संक्रमण 5.6 से बढ़कर 8.9% तक पहुंचा है। इसके अलावा अस्पताल में मरीज के रुकने की अवधि औसतन 9.9 से बढ़कर 10.4 दिन तक पहुंच गई है, जबकि कोरोना मरीजों को भर्ती कराने वाले ट्रामा सेंटर में यह अवधि 1 दिन यानी 10 से घटकर 9 दिन तक पहुँच गई है। इसके आधार पर देखें तो गैर संक्रमित रोगियों की तुलना में कोरोना मरीज अस्पताल में कम रुके हैं, लेकिन उनमें मृत्यु दर अधिक रही। रिपोर्ट में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित होने के 1 सप्ताह के भीतर एम्स ने ट्रॉमा सेंटर और झज्जर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान को कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए आरक्षित किया। इसके साथ वैज्ञानिक शोध में भी एम्स ने पूरा सहयोग किया। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।